गहलोत कैबिनेट की बैठक के एजेंडे शामिल आ गए हैं। 16 मुद्दे शामिल किए गए हैं, शिक्षा विभाग, वित्त, उपनिवेशन, प्रशासनिक सुधार, नगरीय विकास, जनजाति, क्षेत्रीय विकास, गृह विभाग, उद्योग, वाणिज्य विभाग, उच्च शिक्षा, अल्पसंख्यक मामला एवं वक्फ बोर्ड के मुद्दे एजेंडे में शामिल है। केंद्रीय वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 109 के तहत राजस्थान वक्फ नियम बनाने का एजेंडा किया गया है। बेगू कॉलेज का नाम करण किया जाएगा, अब बेगू कॉलेज का नाम शहीद रूपा जी कृपा के नाम पर करने का प्रस्ताव है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज का नामकरण राव गोगादेव जी के नाम पर करने का प्रस्ताव है और 4 अन्य सरकारी कॉलेजों के नामकरण का भी प्रस्ताव। इसके साथ ही द लीवर केयर फाउंडेशन की संस्थान की स्थापना के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। राजस्थान चर्म शिल्प कला विकास बोर्ड गठन का प्रस्ताव है। दरियावद में महिला को सरकारी नौकरी देने की घोषणा के संबंध में प्रस्ताव है। राजस्थान अभियोजन अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम पर प्रस्ताव। जनजातीय आवासीय विद्यालय बौली का नामकरण स्वामी श्री जय शिवानंद महाराज के नाम पर करने का प्रस्ताव है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर के मैनेजमेंट के लिए जोधपुर कन्वेंशन सेंटर प्रबंध संस्था के गठन का प्रस्ताव है। जयपुर कन्वेंशन सेंटर प्रबंध संस्था के गठन का प्रस्ताव है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड प्राधिकरण न्यासों और विभिन्न समाजों के लिए जमीन आवंटन का प्रस्ताव। राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन का प्रस्ताव है। NTPC के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए 910 हेक्टेयर जमीन आवंटन का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य की कंपनियों के लिए खुले बाजार से लिए जाने वाले कर्ज पर सरकारी गारंटी में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट का प्रावधान जोड़े जाने का प्रस्ताव है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में संशोधन का प्रस्ताव भी है। ये तमाम एजेंडे आपको बताएं।